ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में 12 मार्च को खेले जाने वाले इंटरनेशनल वनडे मैच के लिए भारत और साउथ अफ्रीका की टीमें चार्टर प्लेन से कांगड़ा एयरपोर्ट पहुंची। टीम इंडिया के साथ भारतीय कप्तान विराट कोहली, कोच रवि शास्त्री और कुछ खिलाड़ी नहीं पहुंचे, जिससे अपने चहेते क्रिकेट स्टारों का दीदार करने एयरपोर्ट पहुंचे क्रिकेट प्रेमियों को निराशा हाथ लगी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में 12 मार्च को खेले जाने वाले इंटरनेशनल वनडे मैच के लिए भारत और साउथ अफ्रीका की टीमें चार्ट प्लेन से कांगड़ा एयरपोर्ट पहुंची। टीम इंडिया के साथ भारतीय कप्तान विराट कोहली, कोच रवि शास्त्री और कुछ खिलाड़ी नहीं पहुंचे, जिससे अपने चहेते क्रिकेट स्टारों का दीदार करने एयरपोर्ट पहुंचे क्रिकेट प्रेमियों को निराशा हाथ लगी। कांगड़ा एयरपोर्ट पर एचपीसीए पदाधिकारियों ने दोनों टीमों के खिलाड़ियों का स्वागत किया। कांगड़ा एयरपोर्ट पर अपने चहेते खिलाड़ियों के दीदार के लिए क्रिकेट प्रेमियों की खासी भीड़ उमड़ी थी। दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने कांगड़ा एयरपोर्ट से बाहर आकर कड़े सुरक्षा घेरे में विशेष वाहनों से धर्मशाला की ओर प्रस्थान किया। दोनों टीमों के खिलाड़ियों के ठहरने की व्यवस्था धर्मशाला के समीप कंडी स्थित होटल द पेविलियन में की गई है। दोनों टीमों के खिलाड़ी होटल पेविलियन में ही रहेंगे, जबकि कल दोनों टीमों का अलग अलग सत्र में धर्मशाला स्टेडियम में प्रैक्टिस शेड्यूल निर्धारित है। संजय शर्मा ने कहा कि 12 तारीख को होने वाले मैच के लिए दोनों टीमें धर्मशाला पहुंच चुकी हैं। उन्होंने कहा कि टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली, कोच रवि शास्त्री और कुछ खिलाड़ी दोपहर बाद धर्मशाला पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि दोनों टीमें कल अभ्यास सत्र में हिस्सा लेंगी। संजय शर्मा ने कहा कि एचपीसीए की ओर से मैच को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बिलासपुर जिला कांगड़ा एयरपोर्ट पहुंचे विराट कोहली के क्रिकेट प्रशंसक आर्यन ने कहा कि विराट कोहली के फैन हैं और उनसे मिलने के लिए धर्मशाला आए हैं। आर्यन ने कहा कि उसने अपने हाथ से एक लाइट युक्त बैनर तैयार किया है, जिससे वे कोहली को भेंट करना चाहते हैं। आर्यन ने कहा कि इस बैनर को बनाने में उसे 12 घंटे लगे हैं। उन्होंने कहा कि मैं पिछली बार भी विराट कोहली से मिले थे और उन्होंने विराट का ऑटोग्राफ लिया था, इस बार भी उनसे मिलने के लिए यहाँ आए हैं। मेरा नाम आर्यन है, मैं बिलासपुर से हूँ। पिछली बार भी मैं आया था विराट कोहली से मिलने, तब मेरे को ऑटोग्राफ मिल गया था। मैं बचपन से उनका फ़ैन हूँ। ये पिछली बार भी बनाया था मैंने ऐसा बैनर, इस बार मैंने अलग बनाया कुछ। इस बार मैंने इलेक्ट्रिकल लाइट्स लगाई हैं, अपने हाथ से बनाया है इसको। 12 घंटे लगे हैं बनने को पूरे, इतने ही सर। मिलेंगे फिर से, अच्छा लग रहा है। अभी पिछली बार मैं नर्वस था, इस बार कॉन्फिडेंट हूँ कि मिलेंगे एक बार फिर से।